लोग पहुंच चुके हैं अभी हैं राजघाट। गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू अंदर ब्लॉग। तो मैं अभी काफी दिन बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो हम कुछ इस तरह है सुबह का, अभी सुबह के बज रहे हैं 9। तो हम लोग कहीं जाने वाले हैं, अभी बताते हैं कहाँ जाएंगे। और हमारे साथ में अजय और हम लोग बाइक है हम लोग के पास, लेकिन बाइक से नहीं जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं क्योंकि मौसम थोड़ा गड़बड़ है। इसलिए ग्राउंड है जो कि जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, लेकिन बारिश की वजह से 2 हफ्ते से क्रिकेट यहाँ पे नहीं हो रहा है। देख सकते हैं ये पिच हम लोग का जो कि पानी से डूबा हुआ है। तो अभी जब ये हटेगा नहीं तब तक क्रिकेट होगा नहीं, लेकिन बरसात का मौसम है तो हटेगा नहीं जल्दी। बाकी हम और अजय जा रहे हैं आज बनारस घाट घूमने। मतलब हम लोग बनारस में रहते हैं लेकिन कभी जाते नहीं हैं। तो हम लोग आज घूमने जा रहे हैं ऑटो से। हम लोग के पास बाइक था लेकिन बाइक इसलिए नहीं लाए हैं क्योंकि मज़ा नहीं आता बाइक से, इसलिए हम लोग ऑटो से बोले। तो हम लोग अस्सी घाट ना जाकर आज आ गए हैं नमो घाट। मतलब हम तो आए हैं नमो घाट पर ये जो भैया है ना ये नहीं आए थे, तो ये बोले कि चलो पहले नमो घाट चलते हैं उसके बाद फिर कभी जाएंगे अस्सी घाट। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं नमो घाट और देखते हैं जाकर वहाँ पर क्या करते हैं। लगभग पहुँच चुके हैं, कुछ ही दूर पर है और हम लोग पैदल आए हैं। मतलब पैदल नहीं ऑटो से आए हैं और ऑटो वाला छोड़कर चला गया, तो कुछ दूर पैदल चलना है तो पैदल जा रहे हैं। बाकी अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अभी हैं राजघाट, और राजघाट का कुछ इस तरह व्यू है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो मतलब गंगा जी में नहा रहा है वो नहा वहाँ अपना काम कर रहा है। बाकी सब बहुत लोग यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए भी। बाकी इधर एकदम खाली है और सामने है राजघाट का पुल। ये पुल काफ़ी दिनों मतलब काफ़ी सालों से बना हुआ है, पता नहीं कब से बना है, इसका जानकारी मुझे नहीं है। और वहाँ पे है नमो घाट, तो अभी उसी जगह हम लोग जाएंगे। अभी फ़िलहाल इधर का व्यू ले लीजिए आप लोग। तो अभी चलते हैं नमो घाट। तो अभी जा रहे हैं नमो घाट, और नमो घाट जाते हुए ये सब दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ पर एक वेटिंग हॉल बनाया गया है। किसी को किसी का वेट करना है तो यहाँ पर जाकर बैठ सकता है, अपना बात कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और ऊपर से ट्रेन जा रही है, ये देख सकते हैं राजघाट का पुल। इस पुल के ऊपर से बाइक मोटरसाइकिल मतलब कार उड़ जाती है, और उस पुल के नीचे से नैया जाती है, और पुल के बीच में ट्रेन जाती है। और यहाँ पर दादा किसी से भिड़ रहे हैं, और यहाँ पर टैटू का मतलब सारा डिज़ाइन लगा हुआ है। किसी को बनवाना है तो बनवाता है, लेकिन हम लोग नहीं बनवा रहे हैं टैटू क्योंकि घर वाले देखेंगे तो मानने लेंगे, इसलिए नहीं बनवा रहे हैं। और बाकी अभी हम लोग चलते हैं नमो घाट, वहाँ नहा रहे हैं। हम लोग का भी मन कर रहा है नहाने का, पर हम लोग कपड़ा ही नहीं नहाने तो नहाते, पर यहाँ पे नाव बनाई जाती है। मतलब इधर भी बन रही है कि एक इधर भी बन रही है। और बाकी कितना सारा पानी में नाव है तो हम ही लोग नहीं जानते। और ये है राजघाट का पुल। तो हम लोग के सामने है नमो घाट, तो चलते हैं। और वहाँ पर पहले 3 हाथ बनाया गया था, लेकिन एक बड़ा उससे उसका शायद 3 गुना ज़्यादा बड़ा हाथ बन गया है। हाँ 3 हाथ बना लो ना, उससे बड़ा वो देखा के बन गया ला। तीन थे इधर हाथ दिया। तो हम लोग आ चुके हैं नमो घाट, और बाकी इधर जो है ना पिज्जा हट, ये सब कैंटीन है। मतलब आप लोग अगर कुछ खाना चाहते हैं तो जाकर वहाँ पे खा सकते हैं। वैसे हम बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पर ये पहली बार आ रहे हैं। ये रहा नमो घाट का बोर्ड, और यहाँ पे बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छा व्यवस्था दिया गया है आपको। धूप लगेगा, बारिश होगी तो बैठ सकते हैं, बस सकते हैं धूप से। थ्री डी लेवा 360 व्यू। पे बैठवा जे यहाँ पे 3 थे। आकर अपना फोटो और वीडियो जिसको बनाना है बना रहे हैं, हम तो ब्लॉग बना रहे हैं। बाकी ये जो भैया है ये फोटो खींच रहे हैं खूब। और अभी चलते हैं इस बड़े वाले के पास। पहले जब ये 3 था ना तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती थी, लेकिन जब से ये बन गया है ना तो इस पर ज़्यादा लोग रहे हैं, इस पर कम रहे हैं। तो यार मतलब इससे एक चीज़ मिलती है कि जो मतलब
नया कोई आता है ना तो उसके पास सब जाते हैं, जो पुराना हो जाता है उसको सब भूल जाते हैं। कुछ ये इस तरह है, काफी बड़ा बना है, उससे तो 3 गुना बड़ा बना है यार। और यहाँ पे मतलब बहुत से लोग घूमने आए और बाकी बहुत लोग पता नहीं क्या करने आए हैं, वो हमें नहीं मालूम, लेकिन आप लोग जानते होंगे। कुछ इस तरह बना हुआ है ये। तो नोमो घाट हुआ, जब और काफी हुआ दिखा ना, तो नोमो घाट उधर रहा जो कि दिखा और जो कि 3 हाथ दूर थोड़ा बना है और 50 मीटर पे 1 हाथ बना है जो कि उधर है, और बाकी इधर एक ये बना हुआ है सर गार्डन की साइड पार्क, यहाँ पे फैमिली को लेकर आ सकते हैं, घूम सकते हैं यहाँ पे। और काफ़ी बड़ा में बना हुआ है और यहाँ पे भीड़ भी नहीं है। अच्छी बात यहाँ की अभी भीड़ नहीं लग रही है, लेकिन इसके बारे में ये नया बना है इसके साथ किसी को पता नहीं होगा, अभी बहुत कम लोग को पता होगा। पर जब ये पॉपुलर हो जाएगा ना तो यहाँ पे भी पैर रखने का समय नहीं मिलेगा। और अभी इसलिए वहाँ पे नमो घाट यहाँ पे हाथ बना हुआ है इसलिए भीड़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अभी घाम लग रहा है, घाम बहुत, धूप बहुत तेज लग रहा है। जब रात हो जाएगी ना तब, अगर फिर कभी रात में आएंगे तो बनाएंगे, बहुत ज़्यादा रात में भीड़ लगती है। मैं आया था एक बार रात में लेकिन ब्लॉग नहीं किया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ था इसलिए नहीं किया था यहाँ। लेकिन अभी जो सुबह में आया हूँ अभी तो भीड़ नहीं है इसलिए ब्लॉग खुलकर कर पा रहा हूँ। लेकिन अभी चल देखते हैं अभी क्या करते हैं ब्लॉग में आगे। आइए चेक करते हैं, मिलते हैं अपना गार्डन वार्डन। हमारे साथ में हमारे अजय नहीं खुलल है। यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है, पता नहीं कितना गहरा होगा लेकिन है, पानी उनी है ज़्यादा। और देख सकते हैं अभी और आगे तक फैला हुआ है ये। यहाँ पे हमारे मामा के लड़के मिल चुके हैं। हम लोग नमो घाट और अब यहाँ से जा रहे हैं घर, क्योंकि हम लोग घूम चुके हैं, हम तो घूम ही चुके हैं। यहाँ पे ज़्यादा खास है कुछ नहीं, मतलब वहीं पे जैसे पहले सब मिट्टी का था, अब इसको मतलब अच्छे से बना दिया गया है, पत्थर उत्थर लगा दिया कि बाढ़ आए तो आप लोग मतलब व्यू का एंजॉय कर सकते हैं। और बाकी उधर चाटो हाथ बना दिया गया है पता नहीं किसका। और यहाँ पे हम एक चीज़ दिखाते हैं आपको, है कपल्स का नाम, राजभर विरासत का लिखा है, अमन माही राज एंड माही ये सब लिखा हुआ है, सुरेंद्र सोनम सुहा। तो यहाँ पे मतलब अब जो प्यार करने वाले हैं ना वो लोग यहाँ पे अपनी निशानी छोड़ गए हैं। और अभी हमको हम देखे हैं इसको और यहाँ पे कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा हो गया है और मैं उसको अपने ब्लॉग में नहीं ले सकता, अगर ले लूँगा तो घर वाले भी बात कर देंगे तो उसको नहीं लेते। लेकिन हम लोग पढ़कर बहुत हंस रहे हैं भाई, मतलब गजब का है। सरकार क्या से क्या कर रही है, पर हमारे भारत के नौजवान अलग मजे में लगे हुए हैं। इस तरह ये व्यू लगता है एकदम मस्त, ऐसा लगता है बीच है हम लोग का, बनारस का बीच। यहाँ चलते हैं हम लोग घर, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है यहाँ पे आए हुए, और मैं तो बहुत बार आया हूँ और अजय जो है ये पहली बार आए थे, तो इनको लाकर घुमा दिए हैं। और ये भी कह रहे हैं कि चलो चलते हैं घर, तो अभी चलते हैं घर। और अब कल शाम को हम लोग जाएंगे सर्वेत महामंदिर उमराह की तरफ, तो कल का वहाँ का ब्लॉग रहेगा। अभी यहाँ से चलते हैं घर। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।